नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विधायक श्रीमती लीना संजय जैन टप्पू द्वारा विधायक निधि से क्रय की हुई कोविड-19 उपचार सामग्री शासकीय चिकित्सालय गंज बासौदा एवं उप स्वास्थ्य केंद्र गमाकर को सौंपी। बासौदा ग्यारसपुर क्षेत्र के विधायक श्रीमती लीना संजय जैन टप्पू द्वारा विधायक निधि से क्रय की गई कोविड-19 के लिए उपचार सामग्री शासकीय चिकित्सालय गंज बासौदा एवं उप स्वास्थ्य केंद्र गमाकर को सौंप दी गई। इस अवसर पर विधायक श्रीमती लीना जैन ने कहा कि विगत 2 सप्ताह में कोरोना संक्रमण से मरीजों की संख्या में काफी कमी आ गई है, फिर भी कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। विधानसभा क्षेत्र के लिए मैं पहले भी पूरी तैयार थी और अब आगामी स्थिति से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बस अब आप सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने नागरिकों और ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा है कि वह शासन के द्वारा कोविड की गाइडलाइन का पालन करें, मास्क पूरे समय लगाए रखें, सख्त आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें और समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। इसके साथ साथ शासन का भी सहयोग करें। आप सभी के सहयोग से ही हम यह जंग जीत पाएंगे। उन्होंने कहा कि अस्पतालों के लिए आवश्यक सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है और आगे भी किसी भी तरह के नागरिकों की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए हम और हमारे नगर के समाज सेवी बढ़ चढ़ कर सेवा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा दी गई विधायक निधि से सामग्री आ गई है, उसे आज गंज बासौदा चिकित्सालय एवं पूर्व उपस्थित स्वास्थ्य केंद्र गमाकर के लिए सौंप रही हूँ। विधायक निधि से 20 ऑक्सीजन मशीन क्रय की गई, जिसमें से 8 गंज बासौदा और 1 गमाकर को सौंप दी गई है। इसके साथ और अन्य सामग्री गंज बासौदा और गमाकर अस्पताल को सौंपी गई। विदिशा ग्यारसपुर से आशीष सहेली की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। मशीनें दे चुके हैं आप? देखिए, ऐसी तो गिनती होती नहीं है, फिर भी कोविड सेंटर में 5 मशीन समाज सेवियों के सहयोग से दी थी और कल भी मुझे 2 मशीन उपलब्ध हुई है। इसके पहले 3-4 मशीन उपलब्ध हुई थी। निरंतर जो मशीन आ रही है वो हमारे द्वारा तुरंत हॉस्पिटल में भी उपलब्ध करवाई गई थी। 20 जंबो सिलेंडर उपलब्ध करवाए थे पहले, और इसके अलावा जो मशीनें और आ रही हैं अभी भी मेरे पास ऑफ आए हैं समाज सेवियों के फ़ोन, तो जल्दी ही 2-3 मशीन और आने वाली है। वैक्सीन को लेकर मन में डर बैठा हुआ है, कई लोग मानस भवन में वैक्सीन के लिए काफ़ी लोग अब जा नहीं रहे हैं, खाली पड़ा हुआ है, क्या कहेंगे लोगों के जागरूक के लिए? मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और आप ये देखिए कि हमारी वैक्सीन बाहर भी पहुंच रही है हमारे देश में, क्यों लोगों में ये असुरक्षा की भावना आई है? कहीं ना कहीं जो जिस तरीके का वातावरण बनाया गया था बीच में, शायद वही कारण है। लेकिन मैं सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। हम सारे जनप्रतिनिधि, हम प्रशासन के पूरे सभी लोग, डॉक्टर साहेबन सभी लोग वैक्सीन ले चुके हैं, तो आप लोग भी जिसका 18 प्लस के भी वैक्सीन चल रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो लोग वैक्सीन अवश्य लें। देखने में आ रहा है गांव की तरफ कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, अब गांव के लिए क्या तैयारी रहेगी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपकी ओर से? गांव में प्रत्येक पंचायत को कोविड सेंटर के रूप में कर दिया गया है और जगह जगह हमारी समूह चल रहे हैं जो बराबर लोगों में जागरूकता ला रहे हैं, दवाइयों की किट वितरित कर रहे हैं। ये बात सही है, गांव के लोग बाहर एकदम नहीं आना चाह रहे हैं, पर उनको जो भ्रम की स्थिति है उसको हम लोग सुधारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है, हमारे पूरे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने अपने स्तर पर लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में आदरणीय अरुण अग्रवाल जी, यहाँ उपस्थित सभी मेरे डॉक्टर साहेबान, सभी मेरे गणमान्य नागरिकगण, सभी मेरे पत्रकार साहब, कोविड-19 का संक्रमण जिस तेज़ी से फैला था और जिस जहाँ ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही थी, उस समय पर एक विचार मन में आया कि विधायक निधि से हम लोग ये कुछ कर पाए, और जैसे ही हमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश मिला कि हम लोग कर सकते हैं, तो मैंने कोविड-19 के लिए जो भी सामग्री चाहिए उसके लिए मैंने 40-45 लाख के लिए अनुशंसा कर दी थी। डॉक्टर
आगे आए और उन्होंने विधायक निधि से उनके विधायक क्षेत्र में जिसमें बासोदा और ग्यारसपुर भी आता है उसका मन उन्होंने परचेज करके दिया है जो आज उसमें प्रथम चरण में हम आज बासोदा में दमाखर और बासोदा सिविल हॉस्पिटल में जो सामान आया है वो विधायक जी हमें आज देंगे। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि विधायक जी के माध्यम से विधायक निधि से हमें 20 कंसनट्रेटर मशीन विधायक जी के विधानसभा क्षेत्र में मिली हैं। जो सामान का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसमें अलग अलग जगहों के लिए मोहम्मदगढ़ हैदरगढ़ अग्रवाल है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 20 साल है। आपने वैक्सीन लगवाई? जी मैंने आज ही अपनी वैक्सीन लगवाई है। ये वैक्सीन की प्रेरणा आपने कहाँ से ली? ये मैं अपने खुद से आई हूँ कि मुझे लगवानी है क्योंकि ये एक ही जरिया है इस चीज़ से बचने का, इस बीमारी से लड़ने का। और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहती हो आप? मैं सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ ये वैक्सीन लगवाएं, आके वैक्सीन लगवाएं क्योंकि ये बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सेफ है और यही एकमात्र तरीका है इस चीज़ से लड़ने का, इस बीमारी से बचने का। कई लोगों के मन में भय है वैक्सीन को लेकर, वो एक डोज लगवाने के बाद दूसरा डोज नहीं लगवा रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? यही बोलना चाहती हूँ कि इसमें ये बिल्कुल सुरक्षित है और सेकेंड डोज भी लगवाएं क्योंकि दोनों डोज ज़रूरी हैं तभी दोनों डोज आए हैं। अगर एक से होता तो एक ही डोज आता ना, बट दोनों जरूरी हैं, दोनों लगवाइए क्योंकि ये बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक।